आपका स्वागत है मेरे चैनल सहेल पोसाल में। और आज देखो मैंने मीनिंग आपने कैरेक्टर एलईडीज को ऐसे देखा होगा कि भाई आपने एलईडी ली, ठीक है, और फिर आप उसको जैसे कनेक्ट करते होएगे वो मीनिंग ऐसे चल जाती होगी। ओके ओके मैम, तो आप ऐसे चलते दिखते होएगे। लेकिन आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि भाई ये एलईडी ऐसे ना चले, मीनिंग लिपचिप करके चले, नहीं सोचा ना? तो आज मैंने ऐसी ही एक चीज बनाई है जिससे मीनिंग एलईडी बंद होएगी ऑन होएगी, बंद होएगी ऑन होएगी, मीनिंग ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ओके तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने कैसे बनाया। पहले तो मैंने कैपेसिटर लिया है, दो रजिस्टर लिए, और मीनिंग इसके हम मीनिंग उसकी रंग मेन जो इसका वो है टिंग है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है हमारी 5-5 टाइमर आईसी। इसके अंदर मेन इसका ही काम है। और आप यूँ सोच रहे होगे कि भाई आप अगर हम इसके अंदर मीनिंग इससे हम इसको बनाएंगे तो भाई अरे तो ऐसे लिपजुप रुपजुप करने शुरू कर देगी। लेकिन हमको जैसे कि एक से एक दो सेकंड तक ही चले, 11 सेकंड पर ऑफ हो, 11 सेकंड पर अपने आप चल जाए ऐसे चाहिए आपको, या फिर आपको चाहिए कि एक सेकंड बाद एक सेकंड में बंद हो और वापस जल जाए, फिर बंद हो एक सेकंड में, फिर एक सेकंड में वापस जल जाए, ऐसे चाहिए। तो वाला टाइम हम कैसे सेट करेंगे? तो अपने आप ही सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इसके अंदर अपना अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमको यू टाइम मीनिंग सेट होएगा रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की वैल्यू पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगाए हुए, एक तो मैंने रजिस्टर लगाया हुआ है 44.7 के ओम का, ओके, और एक मैंने लगा हुआ है 3.3 ओम का। ओके ओके तो जितना हमारा टाइम सेट होएगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू पे सेट होएगा। और अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको इसका डायग्राम भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से कि भाई मैंने इसको कैसे बनाया है। एक और मैं आपको इसको वो भी बता देता हूँ, देखो मैंने इन सबका मीनिंग पिन मैंने कॉन्फिडेंस आपको दिखा दी थोड़ी देर के लिए, और अभी मैं आपको इसका पूरा डायग्राम भी दिखा दूंगा। ओके तो पहले तो मैंने क्या किया, हमने इसके अंदर कैपेसिटर लगा दिए, ओके उन सबको कनेक्ट कर दिया इसके डायग्राम के अंदर, देख लेना। तो और आप उस डायग्राम को देख के इसको बना भी सकते हो। ओके तो अब मैं जैसे इसको ऑन करूँगा, अभी मैं लगाता हूँ इसे, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे मैं इसके अंदर सप्लाई दूंगा, देखो वैसे मेरा ये लिपजुप करना स्टार्ट कर देगा, देखो कितनी मीनिंग ज़्यादा है, लिपजुप करते जाएगी। और आपको टाइम सेट करना है, तो मैंने बताया कि टाइम किस पर बेसिस पर सेट होएगा, वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बेसिस पर सेट होएगा। मैंने यहाँ पे एक तो 100 यूएफ का कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक 1 यूएफ का लगाया हुआ है, उससे ऐसे ब्लिंक कर लिए। तो मैं आपको मिनी इसका डायग्राम पे भी दिखा दूँगा, तो आप देखो कैसे ब्लिंक करते जाएगी, ये अपने आप ही बंड ऑफ होते जाएगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, मैंने इसके अंदर 9 वॉट की बैटरी कनेक्ट की है। ओके बाय। और देखो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था कि भाई मैंने अभी इतने तेज लिपजुप हो रही थी लाइट, मैंने इसके अंदर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दी है, इतने सारे लगा दिए भाई, कितने सारे, ठीक है। तो मैंने बोला था कि भाई इसके अंदर हम टाइम सेट कर सकते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू से, तो मैंने कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दी है। तो देखो मैंने को पूरा 5 सेकंड टाइमर ही बना के छोड़ा है, यूं मैंने छोड़ा मैंने। अभी देखना मैं इसको ऑफ हो जान दो, 1, 2, 3, 4, 5, देखो ठीक है।
टेक उसके ने एक खास आते कि भाई ये थोड़ी देर तक पिनिंग पे देखना बंद होते, देखो पिनिंग हम इसको अच्छे से देख सकते हैं कि भाई बंद हो गई, यानी कि हमें आँख क्या कहते हैं हमारी प्लग झपके और उठने में बंद होकर ऑफ भी हो गई और या फिर ऑन होकर ऑन भी हो गई, ऑफ होकर ऑन हो गया हमको पता ही नहीं चला, इसलिए आप इसको गेम में भी यूज कर सकते हो। कितने सारे कैपेसिटर लगाए मैं आपको इसका बताते जाता हूँ। पहले मैंने लगाया है एक, कहाँ लिखा है, जो मुझे वैसे पता है ये वाला तो 1 UF का कैपेसिटर है, ये वाला हमारा है, ये वाला 100 UF का हमारा कैपेसिटर है और ये वाला हमारा 10 UF का है, ये भी 10 UF, ये 2.2 UF और ये है, क्या लिखा है ढूंढो, ये है 47 UF का कैपेसिटर। ठीक है, जब मैंने इन सब को लगा दिया तो देखो मेरा ये 5 सेकंड का टाइमर बन गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे तो मुझे ये बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो की मजेदार चीज ये है कि मैंने मैग्नेटिक बॉल से बलून बनाया है, आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर